नमस्कार, देश टीवी के खास कार्यक्रम खास बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज जो इस कार्यक्रम को हम जो आपको दिखाते हैं, इसमें किसी विशेष व्यक्तित्व और खास विशेष किसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे बीच हैं विज्ञान हिंदुत्व में विज्ञान पर शोध करने के लिए सुनील अग्रवाल जी। नमस्कार सुनील अग्रवाल जी। नमस्कार। अग्रवाल जी, ये बताएंगे कि आप जब ये शोध के लिए जब आप आए तो इसकी रुचि आपको किस तरह से हुई है, किस तरह से आप इस पे अग्रसर हुए हैं? बचपन में जब स्कूल में मैं पढ़ता था तब पिताजी से और शिक्षकों से सुनता था कि हिंदू धर्म की सारी परंपराएं बड़ी वैज्ञानिक हैं और वेदों में विश्व भर का विज्ञान भरा पड़ा है। तब सहज इस पर विश्वास नहीं होता था, किंतु हमारे एक बायोलॉजी के टीचर थे पांडे जी, वो बोलते थे किसी भी चीज़ में हमको मौलिक रूप से सोचना विचारना चाहिए और मूल चिंतन से ही हम वास्तव में सत्य का पता लगा सकते हैं। हमारे और एक शिक्षक थे नायक जी, वो हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि हम जो है नई नई बातों को खोजें समझें और कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। फिर संयोग से मेरे हाथ में एक पुस्तक लगी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जो शंकराचार्य हैं थे पुरी के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वैदिक मैथमेटिक्स। तो जब उन्होंने वेदों में से गणित निकाल कर उस पुस्तक में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जब उसको मैंने पढ़ा तब मुझे विश्वास हुआ कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी परंपराएं स्थापित की थी उसके पीछे गहन विज्ञान गहन अध्ययन था। तो उससे मेरी रुचि जागृत हुई और फिर मैंने एक एक परंपराओं को पकड़कर उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया। तो इससे मेरी रुचि हुई और फिर मुझे लगा कि ये तो बड़ा अद्भुत है और इसको पूरे विश्व के सामने लाना चाहिए। सबसे पहले ये जो शोध जो आपने चालू किया, तो किस प्रकार इस पर रिसर्च करते हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं? अक्सर मैं जो परंपराएं हम पालन करते हैं, किसी भी प्रकार की बात हो जो हमारी भारतीय परंपराओं में हो, उनको मैं पकड़ता हूँ एक एक परंपरा को, फिर उस पर अध्ययन करता हूँ, उसके लिए पुस्तकों का शास्त्रों पर जाता हूँ, विद्वानों से चर्चा करता हूँ, इंटरनेट पर देखता हूँ, और फिर जब मुझे लगता है कि नहीं ये एक क्रेडिबल इसका एविडेंस है इस परंपरा के पीछे, और तब जाकर मैं उसके वैज्ञानिक पक्ष को समझता हूँ कि उस पर स्थिर होता हूँ। और वैसे शोध जो है ये निरंतर प्रक्रिया है और ये चलती रहती है, तो जो शोध मैंने किया और जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा, यदि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसको सुधार करता रहता हूं और इस प्रकार से मैं अपने शोध को आगे बढ़ा रहा हूं। सर, ये पूजा पद्धति में भी वैज्ञानिक कुछ पहलू हैं, उस पर भी आपने शोध किया है, तो किस तरह से उसे आप आगे लोगों के बीच आप ले जाते हैं? देखिए, जो हिंदुओं की पूजा पद्धति है जिसको हम सामान्य तौर पर कर्मकांड कहते हैं, जब इस पर मैंने शोध किया तो मैंने पाया कि इसमें बहुत वैज्ञानिकता भरी पड़ी है। वस्तुतः इसका जो उद्देश्य है वो मानव जीवन के कल्याण का है। तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं कि नहीं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो हमारी पूजा पद्धति है इससे मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। जैसे हम पूजन के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम उसमें कहा गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है और हमारे चित्त को शांत करता है। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारा हृदय एक मिनट में 72 के धड़कन पर पहुंचता है, वो जो उसका सही मान है, तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपके हृदय की गति जो है वो नियंत्रित होती है और सही स्थान पे आ जाती है। अगर आप कहीं दौड़ कर आ रहे हैं या कहीं चिंता के कारण आपके हृदय की गति अगर बढ़ी है तो वो ठीक हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम नमस्कार करते हैं। हमारा शरीर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और इसमें अलग अलग हमारी गतिविधियों के कारण इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस वो बीच बीच में इम्बैलेंस होता है। जब हम दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्बैलेंस हमारे शरीर के अंदर पैदा होता है वो वापस बैलेंस हो जाता है। इससे भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अतिरिक्त हमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो बहुत ज़रूरी है वो कैल्शियम है, और हमारे अंदर जो इन्फेक्शन हो सकता है वो इन्फेक्शन सामान्य तौर पर शरीर के जो पोर्स हैं उसमें से हो सकता है, तो नाक से मुंह से इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इससे बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने तिलक की व्यवस्था की। तिलक जो है वो हल्दी और चूने के मिश्रण से रोली बनती है, उसका तिलक हम लगाते हैं। उसे अक्षत भी बोला जाता है, जैसे अक्षत उसमें अक्षत भी उस पर लगाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अक्षत भी उस पर लगाए जाते हैं। अक्षत का कारण मैं अभी तक पता नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन जो रोली और चूने के कारण हमारे शरीर में जो कैल्शियम की अगर कमी होगी तो वो इनटेक हमारा शरीर ये जो अपना आज्ञा चक्र है यहाँ पर तिलक लगाने से कर लेगा, और दूसरा
हल्दी में एक बैक्टीरिया रोधी क्यूमिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यद्यपि वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी तक क्लिनिकली इसको कोई सिद्ध नहीं कर पाया है, लेकिन आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व बताया गया है। हम हल्दी का सेवन करते हैं तो वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो क्यूमिन पदार्थ के कारण उसका जो असर होता है वो हमारे चेहरे पर रहता है, और इसके कारण जो बैक्टीरिया है उनका इन्फेक्शन नाक से और मुंह से जो होता है इससे बच जाता है। और अगर हम ये देखें कि क्या आज्ञा चक्र पे लगे हुए कैल्शियम को शरीर ग्रहण करता है, तो आपको ध्यान आएगा कि बस्तर में अभी एक प्रयोग किया जा रहा है जीवन बिंदी, जिसमें कि अपनी जो आदिवासी वनवासी महिलाएं हैं उन माताओं बहनों को कैल्शियम आयोडीन की कमी ना हो, इसलिए उनको बिंदी में गम में आयोडीन लगाकर दिया जा रहा है ताकि वो बिंदी जब लगाएंगी तो उससे शरीर आयोडीन ग्रहण करे। तो शरीर जो है स्किन से और इनसे अपनी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ग्रहण करता है, तो ये एक बड़ा उसका कारण है। फिर आप देखेंगे हमारे यहाँ शंख बजाने की परंपरा है, तो जो शंख बजाने के समय हम सांस को बहुत गहरे अंदर लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे फूंक कर बाहर करते हैं, तो ये एक प्रकार से हमारा प्राणायाम हो जाता है। और जो हमारे फेफड़े हैं इनकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। सामान्य तौर पर जो मनुष्य है वो अपने फेफड़ों की कैपेसिटी का 30 से 35% ही उपयोग करता है, लेकिन प्राणायाम के द्वारा और इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा उसका जो वो जो यूटिलाइजेशन का वो है क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है। तो 35 से अगर वो 50% भी होता है, 65% भी होता है, तो समझिए कि मनुष्य के जीवन में बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम फेफड़ों में होल्ड करते हैं वही खून में मिलकर खून को शुद्ध करता है। इसके अलावा आप देखिए जो ओंकार के हम ध्वनि करते हैं, तो ओंकार में वही प्रक्रिया हम करते हैं कि हम अंदर से सांस खींचते हैं, पहले उसको होल्ड करते हैं और फिर धीरे 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 उस सांस को बाहर निकालते हैं। इससे भी हमारे जो हृदय की गति है वो नियंत्रित होती है, वो संतुलित होती है, और इसके अलावा हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी भी इससे काफ़ी बढ़ती है। तो ये तो कुछ बातें हुई, और अगर हम पूजा पद्धति को और विस्तार में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मंत्र जाप करते हैं, तो संस्कृत के जो मंत्र हैं उसमें खास बात यह है कि उसमें एक लय है, और वो लय हमारे जीवन में हर स्थान पे हमें ज़रूरत है। हमारे शरीर का जो लय है वो अगर बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं, तो लय पुनर्स्थापित होता है। जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो लय पुनर्स्थापित होता है, और जब हम भजन कीर्तन में ताली बजाते हैं तो आप देखेंगे जब आप ताली बजाएंगे और दोनों हाथ को मिलाकर ताली बजाएंगे तो उंगलियों के जो पोर हैं इन पे आपस में प्रेशर आता है, और ये आपको साइनसिटिस जैसी बीमारियों से मुक्त रखता है। तो हमारी पूजन पद्धति में माने हर कदम पे जो कुछ भी हमारे पूर्वजों ने रखा है वो दिखने में कर्मकांड है, लेकिन उसके पीछे मनुष्य के स्वस्थ रहने का विज्ञान है। दूसरा ये भी है कि योगासन से भी इसको बहुत कुछ जुड़ा जा सकता है। जैसे योगासन तो वास्तव में भारतीय मनीषियों की विश्व को एक अनुपम देन है। देखिए अभी तक जो पश्चिम का जो भी माने दर्शन रहा है वो चिकित्सा पे है, वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट करना है, और भारतीय दर्शन जो है वो आरोग्य पर है, मनुष्य बीमार ही ना पड़े, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। और योगासन मनुष्य को निरोग रखने के लिए बड़े ही काम की चीज़ है। और आप देखते होंगे पूजा पद्धति में भी अपने यहाँ आए कि बैठते हैं तो पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में बैठने से जो मनुष्य सामान्य तौर पर हमें सबको पता है कि योगासन बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाते हैं। सामान्य तौर पर समय निकालना आज के आपाधापी के युग में बड़ा कठिन होता है, लेकिन पूजा मनुष्य भले ही भय से करता है, ईश्वर के प्रति भय से करता है, तो अगर उसी कर्मकांड में इन सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो मनुष्य किसी प्रकार से उसको करेगा, ऐसा मानकर संभवतः हमारे मनीषियों ने पूजा के साथ में इन सारी चीज़ों को जोड़ा है ताकि थोड़ा बहुत आसन हो जाए और बाकी चीज़ें भी जो हम सामान्य तौर पर जिसको फॉलो नहीं कर पाते हैं वो हम पूजा के दौरान फॉलो कर लें। खास बात के विशेष कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम हाजिर होंगे अपने अतिथि के साथ।